हेलो दोस्तों, खुशामदीद। तो फिर मैं आज आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो लेकर आप सभी लोग के लिए। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को राउरकेला स्मार्ट सिटी के नए बनाए गए रोड्स और चौक वगैरह दिखाने वाला हूँ, जो कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के लिए तैयार किया गया है। तो दोस्तों, राउरकेला का रोड्स वगैरह बहुत ही अच्छे से तैयार किया गया है, वो भी लाइटनिंग से और पेंटिंग वगैरह से। तो दोस्तों, मैं आप लोग को वीडियो के साथ यहाँ का प्लेस वगैरह का नाम भी बताता चलूँगा, तो वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अभी फिलहाल मैं फिटनेस पार्क के रोड पे हूँ, जो कि हनुमान वाटिका की तरफ जाती है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं ये जो गेट है ना, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से बनाया गया है। जस्ट आप लोग साइड में देखेंगे तो वॉल पेंट वगैरह भी किया हुआ है एंड बहुत हाइट पे इंडियन फ्लैग भी लगा हुआ है। तो फिलहाल अभी हम लोग आगे चलते हैं। तो आप लोग देखिए, उस साइड पे लिखा हुआ था जो ओडिया से लिखा हुआ था, बट इस साइड इंग्लिश पे लिखा हुआ राउरकेला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। जस्ट थोड़ा आगे आएंगे तो एक बहुत अच्छा सा और मस्त सा क्लॉक टावर बनाया गया है। अभी फिलहाल इसका काम चल ही रहा है, काम ख़त्म नहीं हुआ है। जैसे कि दोस्तों, मैं आप सभी लोग को बताया था म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जस्ट थोड़ी ही दूर पे क्लॉक टावर बनाया गया। जैसे कि आप लोग को मैं दिखा दूँ यहाँ आसपास का सीन, तो दोस्तों ये रहा कुछ आसपास का सीन। एंड देखिए, यहाँ पर जस्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का गेट सामने पे ही है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी साइड में वॉल पेंट वगैरह किया गया है। तो फिलहाल अभी दोस्तों मैं हम लोग चलेंगे डेवी पॉन्ड के तरफ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ डीएबी पॉन्ड जाने का रास्ता में काफ़ी अच्छा सा पेंटिंग वगैरह एंड बोथ साइड लाइटनिंग लगाया गया है और बीच में स्ट्रीट लाइट में भी लाइट वगैरह लगाया गया है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं हम लोग डीएबी पॉन्ड पहुँच चुके हैं और डीएबी पॉन्ड का वॉल वगैरह भी देख सकते हैं कितना अच्छा सा फ्लावर वगैरह बनाया गया है। तो ये रहा कुछ दूर से सीन डीएबी पॉन्ड का। फिलहाल तो दोस्तों मैं अंदर जा नहीं पाया क्योंकि अंदर जाने का परमिशन नहीं था। जनवरी फर्स्ट वीक से यहाँ का परमिशन मिल जाएगा जाने का। तो दोस्तों, जैसे ही ओपन होता है मैं आप सब लोग को अंदर का सीन दिखाता हूँ। तो फिलहाल दोस्तों, अभी हम लोग डीएबी चौक क्रॉस कर चुके हैं और छेन की ओर जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं, ये रोड को इतना अच्छा डेकोरेट इसलिए किया गया है क्योंकि हमारे हॉकी प्लेयर्स इसी रास्ता से स्टेडियम की तरफ जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों, आप सभी लोग को मैं दिखा देता हूँ कि छेन की वॉल सबको किस तरह डेकोरेट किया गया है। तो ये रहा दोस्तों छेन का वॉल, जो दिखने में काफ़ी मस्त लग रहा है और बहुत ही अच्छा सा पोर्ट्रेट वगैरह बनाया हुआ है बर्ड्स का। तो फिलहाल दोस्तों, अभी हम लोग छेन की और चलते हैं एंड छेन की चौक वगैरह देखते हैं और वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा स्टैचू भी लगाया हुआ है, तो वो भी देखते हैं। तो फिलहाल दोस्तों, मैं आप लोग को यहाँ का स्टेडियम का अपडेट भी दे दूँगा कि स्टेडियम अभी तक कितना रेडी हुआ है। ये रहा छेन चौक, जहाँ पर बहुत ही अच्छा सा डेकोरेट किया गया दोस्तों, और यहाँ पर एक एलईडी स्मार्ट स्क्रीन भी लगाया गया, जो कि यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट होगा हॉकी का। तो फिलहाल अभी हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ का स्टैचू वगैरह देखते हैं एंड यहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा फ्लावर पॉट्स वगैरह भी लगाया हुआ है। तो जैसे कि दोस्तों, मैं आप लोग को यहाँ का पॉट्स वगैरह दिखा दिया एंड फिलहाल अभी आप लोग को मैं तबला का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, तबला का स्ट्रक्चर जो दिखने में काफ़ी मस्त लग रहा है। तो फिलहाल अभी हम लोग स्टैचू देखते हैं, जो कि बिरसा मुंडा का स्टैचू है। तो आप लोग देख सकते रहे बिरसा मुंडा का स्टैचू कितना अच्छा बनाया गया है। और भी दोस्तों यहाँ पर स्टैचू है, बट वो किसका मुझे पता नहीं चल रहा है। तो फिलहाल वो स्टैचू भी आप लोग देख लीजिए। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टैचू भी बिरसा मुंडा का ही होगा। तो फिलहाल दोस्तों, मैं आप लोग को छेन का स्ट्रीट दिखा दिया हूँ। अभी दिखाता हूँ वीएसएस मार्केट, जो कि वीएसएस मार्केट में जस्ट सामने पे गोर्स बनाया गया है आई लव राउरकेला। तो अभी हम लोग स्टेडियम की तरफ चलेंगे और आपको स्टेडियम की तरफ का लुक दिखाएंगे। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं राउरकेला एयरपोर्ट। तो दोस्तों, आप लोग राउरकेला एयरपोर्ट का बाहर का सीन देख सकते हैं, कुछ इस तरह पोर्ट्रेट वगैरह बनाया गया है। बहुत ही अच्छा सा मस्त सा सीन दिख रहा है यहाँ पर का। एंड यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही लाइटिंग वगैरह यूज़ किया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। एंड जस्ट जैसे ही एयरपोर्ट क्रॉस करेंगे, आप लोग को यहाँ पर एक फुटबॉल का स्टैचू दिखेगा, जो बहुत अच्छा सा यहाँ पर भी लाइटिंग किया गया है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पब्लिक वगैरह भी है। तो फिलहाल दोस्तों, हम लोग इसको रुक के और अच्छे से आप लोगों को मैं स्टैचू वगैरह दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा यहाँ पर फाउंटेन वगैरह भी बनाया गया है, दो तो फाउंटेन बनाया गया है और यहाँ पर बहुत ही सारा पब्लिक लोग आए हुए हैं फोटो क्लिक्स करने। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितना लाइट लगाया गया है दोस्तों आप लोग वीडियो में। और फिलहाल स्टैचू तो बहुत ही बड़ा है एंड आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट में भी कितना अच्छा सा हॉकी का डिज़ाइन वगैरह दिया हुआ है। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं स्टेडियम की तरफ। स्टेडियम का गेट नंबर 1 तो अभी काम चल ही रहा है, गेट नंबर 1 का काम ख़त्म नहीं हुआ है। दोस्तों, आप लोग को मैं स्टेडियम के अंदर का भी लुक दिखाता हूँ। तो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं गेट नंबर 3 कम्प्लीट हो चुका है। और आप लोग को स्टेडियम का बात बता दूँ कि यहाँ पर वर्कर्स लोग अभी 24 आवर काम कर रहे हैं और बड़ा बड़ा क्रेन सब लगा हुआ है काम पर। आप लोग देख सकते हैं स्टेडियम का कुछ अंदर का सीन, तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लग रहा है अंदर का सीन भी। और आप लोग देखिए
कि यहाँ पर काम खत्म नहीं है। जस्ट दूसरे साइड पे यहाँ पर प्रैक्टिस ग्राउंड भी बनाया गया दोस्तों, जो आप लोग को यहाँ से नहीं दिखेगा, अंदर जाने से ही दिखेगा, बट अंदर जाने का भी परमिशन नहीं मिला है। तो दोस्तों जिस दिन परमिशन मिलेगा मैं आप लोग को अंदर कभी दिखा दूंगा। तो ये रहा दोस्तों राउरकेला सेल चौक, जो कि 50 ईयर इनकॉर्पोरेशन का कंप्लीट होने पे ये अलग बनाया गया था। तो दोस्तों आप लोगों को मैं ये भी दिखा दिया, और फिलहाल अभी हम लोग चलेंगे राउरकेला स्टील प्लांट की तरफ, और वहाँ पर भी बहुत अच्छा अच्छा सा स्टैचू वगैरह बनाया गया दिया गया। तो ये रहा दोस्तों राउरकेला का रिंग रोड, जो कि इतना अच्छा सा लाइटिंग वगैरह किया ना आप लोग बता नहीं सकता हूँ। ये जस्ट फिटनेस पार्क के अपोजिट पे है दोस्तों। जैसे कि मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर का रिंग रोड वगैरह दिखा दिया हूँ, तो दोस्तों अभी हम लोग चलेंगे राउरकेला स्टील प्लांट की तरफ। तो दोस्तों वहाँ भी बहुत अच्छा अच्छा स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये रहा दोस्तों राउरकेला स्टील प्लांट के बाहर का कुछ का सीन। तो यहाँ पर और एक भी पार्क बनाया हुआ है दोस्तों, जस्ट बैक साइड में आप लोगों को जगह लाइटनिंग वगैरह दिखता ही होगा। यहाँ पर जस्ट बैक साइड में एक और पार्क बनाया हुआ है जहाँ पर बोटिंग वगैरह होगा। तो फिलहाल दोस्तों अभी आप लोग ये देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर भी बहुत ही मस्त लग रहा है देखने में। नहीं पता ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ कोर्स वगैरह भी लिखा हुआ है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मेड आउट ऑफ स्क्रैप RSP, मतलब ये कि दोस्तों ये राउरकेला स्टील प्लांट वाले लोग ने बनाया है। तो फिलहाल दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मैं बताया था, यहाँ पर बैक साइड में एक पार्क भी है जो अभी काम हो चुका है कम्प्लीट। आप लोग देख लीजिए, ये रहा बैक साइड पर पार्क, और यहाँ पर बहुत अच्छा सा फाउंटेन वगैरह भी बनाया हुआ है। बट ना अभी पार्क वगैरह ओपन नहीं हुआ है, ये जनवरी फर्स्ट वीक पे ही ओपन होगा। यहाँ का मॉल वगैरह एंड वहाँ का पार्क वगैरह सब कुछ जनवरी फर्स्ट वीक पे ही ओपन होगा। तो फिलहाल दोस्तों जब भी ओपन होगा मैं आप लोगों को वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी लोग को मैं राउरकेला का मेन रोड वगैरह दिखा दिया हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोग को यहाँ का मॉल वगैरह ओपन होने वाला है तो वो सब दिखाऊंगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।